Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS. अब हम study करने जा रहे हैं Class 9 Maths Exercise 1.1 Question 1. Is 0 a rational number? Can you write it in the form of P upon Q? Where P and Q are integers and Q is not equal 0. Student, यहाँ आपसे बोला गया है कि आप बताएं क्या 0 एक रेशनल नंबर है? क्या आप इसे P upon Q की फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं? यहाँ पर P और Q दोनों ही इंटीजर्स हैं एंड Q इज नॉट इक्वल 0. यहाँ पर P और Q इंटीजर्स तो हैं बट Q की वैल्यू 0 नहीं है. ओके स्टूडेंट, देखो जैसा कि बोला गया है क्या 0 एक रेशनल नंबर है. रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं वे नंबर रेशनल नंबर होते हैं. यहाँ आपसे बात 0 की जा रही है ना, तो क्या 0 को हम 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 3, 0 अपॉन 4, 0 अपॉन 5 इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं ना? यहाँ पर P और Q दोनों ही इंटीजर्स हैं. ये न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर मीन्स P अपॉन Q दोनों ही इंटीजर्स हैं. सबसे पहले तो आप मुझे बताओ 0 अपॉन 1 मीन्स 0 में हम 1 का डिवीजन करें तो आंसर 0 ही आएगा, और 0 में 2 का डिवीजन करें तब भी 0 होगा, 0 में 3 का डिवीजन करें तब भी 0 होगा. हम किसी भी नंबर का डिवीजन करेंगे तो आंसर तो 0 होगा. ओके और यहाँ आपसे ये भी बोला जा रहा है एंड Q इज नॉट इक्वल 0. ये हम P माने तो ये नंबर Q हो गया. एक तो यह P अपॉन Q की फॉर्म में हो गया और सेकंड Q की वैल्यू 0 नहीं है. ओके आप इस बात को ठीक से समझे ना. यहाँ आपसे बोला गया है क्या 0 एक रेशनल नंबर है? क्या इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं? देखो 0 को हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिटर्न कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू 0 ही रहती है. इट मीन्स इसे P अपॉन Q की फॉर्म में रिटर्न किया जा सकता है. और जब P अपॉन Q की फॉर्म में रिटर्न किया जा सकता है तो वह नंबर रेशनल नंबर है. इट मीन्स 0 इज अ रेशनल नंबर. दैट्स ओके. इसका आंसर हो गया यस. और चाहो तो आगे रिटर्न कर दो 0 इज अ रेशनल नंबर. ओके अब आगे करते हैं. क्वेश्चन 2. फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4. स्टूडेंट Here you have to find 6 rational number between 3 and 4. आपने यहाँ पर 3 और 4 के between 6 rational number find करने हैं. ओके करते हैं. देखो स्टूडेंट ये 3 और 4 इसके between number find करने हैं और वो rational number हैं. सबसे पहले तो रेशनल करने के लिए हम इन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में रिटर्न करेंगे. इट मीन्स ये हो गया 3 by 1 एंड 4 by 1. अब ये P अपॉन Q की फॉर्म में हो गया मीन्स ये रेशनल नंबर बन गया. और हम इनकी वैल्यू चेक करें 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 ही आएगा, और 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 ही होगा. ओके अब आपसे एक बात और बोली है कि आप इनके बिटवीन 6 नंबर और बताओ. स्टूडेंट यहां एक बात ध्यान दें कि यदि आपके गिवन नंबर सीरियल वाइज हैं तो जितने भी बिटवीन नंबर आपको आस्क किए हैं उससे वन मोर. फिर से सुन ले, जो भी बिटवीन नंबर आपको आस्क किए हैं
उससे वन मोर। यहां आपको सिक्स नंबर आस किए है ना, तो सिक्स से वन मोर मीन्स सेवन का मल्टीप्लाई आपने यहां अप और डाउन दोनों जगह करना है। ओके, इट मीन्स थ्री बाई वन में भी आपने सेवन का मल्टीप्लाई करना है एंड फोर बाई वन में भी आपने सेवन का मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखो, थ्री सेवन टाइम 21 हो गया और ये वन सेवन टाइम सेवन हो गया और ये फोर सेवन टाइम 28 हो गया और ये वन सेवन टाइम सेवन ही हुआ। अब आपने इसके बिटवीन सिक्स रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। देखो 21 के बाद क्या आता है, 22 बाई सेवन, 22 के बाद 23 बाई सेवन, इसके बाद 24 बाई सेवन, इसके बाद 25 बाई सेवन, इसके बाद 26 बाई सेवन, इसके बाद 27 बाई सेवन। और देखो इसे आप चेक करें, 21 में 7 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 3 ही हुआ और 28 में 7 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 4 आया। तो ये सारे नंबर बिटवीन 3 एंड 4 है ना, और काउंट करो ये सिक्स है या नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स ये वाले सिक्स नंबर बिटवीन 3 एंड 4 हैं। दैट्स ओके, आई थिंक आपको ठीक से समझ आया होगा। और यदि किसी बच्चे को कुछ डाउट रह गया है तो वह इसे एक बार और लिसन कर लेंगे। दैट्स ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 बाई 5 एंड 4 बाई 5। स्टूडेंट आपने यहाँ 3 बाई 5 एंड 4 बाई 5 के बिटवीन 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। देखो स्टूडेंट, अभी आपको बताया था कि जब यह नंबर सीरियल वाइज हैं तो जो भी आपको नंबर आस्क किया है उससे वन मोल का मल्टीप्लाई करना है ना। यहां नंबर आस्क किया है 5, तो अब 5 प्लस 1 में 6 का मल्टीप्लाई इसमें अप और डाउन करेंगे। ओके, यह नंबर है 3 बाई 5, आप इसमें अप डाउन 6 का मल्टीप्लाई करें एंड सेकेंड नंबर है 4 बाई 5, इसमें भी अप डाउन 6 का मल्टीप्लाई करें। अब देखो ये 3 6 18 हो गया अपॉन 5 6 30 और ये 4 6 24 अपॉन 5 6 30। अब देखो 18 के बाद में 19 बाई 30, 20 बाई 30, 21 बाई 30, 22 बाई 30 एंड 23 बाई 30। अब इसे चेक करो, मीन्स इसे आप अप डाउन 6 से डिवाइड करो, तो 6 3 जा 18 एंड 6 5 जा 30, तो ये 3 बाई 5 ही है ना, और इसे भी 6 से डिवाइड करो, 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30, तो यह भी 4 बाई 5 है।
ओके, उनके बिटवीन यह फाइव रेशनल नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, यह फाइव रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 हैं। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4 स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। स्टूडेंट, आपने यहां बताना है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू है अथवा फॉल्स है, और आप उसका रीजन भी बताएंगे अपने आंसर का। ऐसा नहीं वैसे ही आंखें बंद करके ये सुनो या ट्रू फॉल्स रिटर्न कर दें, आपने उसका रीजन भी एक्सप्लेन करना होगा। स्टूडेंट, यहाँ आपसे बोला है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? देखो, आप नेचुरल नंबर जानते हो, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, आगे तक आप जितने भी रिटर्न करो ये सभी नेचुरल नंबर हैं। नेचुरल नंबर हैं। और होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी नंबर होल नंबर हैं। हम आपसे बहुत ही सिंपली बात करें, बहुत ही शॉर्ट में बात करें, तो केवल इतना कह सकते हैं कि होल नंबर में 0 एक्स्ट्रा होता है। होल नंबर में 0 होता है और नेचुरल नंबर में नहीं। यहां आपसे बोला क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये जो नेचुरल नंबर हैं सभी के सभी होल नंबर में यूज होते हैं या नहीं? देखो, ये सभी नंबर यूज हो रहे हैं, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में आ रहे हैं। ओके, तो यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है, क्योंकि ये सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में यूज हो रहे हैं, इसीलिए यहां रिटर्न करें ट्रू। और इसका रीजन रिटर्न करें, यहां स्टेटमेंट रिटर्न करें, सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर कंटेन्स ऑल द नेचुरल नंबर, ये सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में यूज हो रहे हैं। ओके, पार्ट सेकेंड, एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। क्या हर एक इंटीजर्स होल नंबर होता है? देखो स्टूडेंट, इंटीजर्स तो ये भी होते हैं, जैसे -2, -5, और जो होल नंबर हैं ये ओनली पॉजिटिव होते हैं ना, नेगेटिव थोड़े, इसीलिए यह स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। यहां रिटर्न कर दें फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, -2 इज नॉट होल नंबर। ओके, नाउ पार्ट थर्ड, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक रेशनल नंबर होल नंबर होता है? देखो स्टूडेंट, जैसे आपने किया 4/2, तो यह तो 2 होल नंबर हो गया, बट आप करें 2/4, इसे सॉर्ट भी करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो गया, तो ये 1/2 तो होल नंबर नहीं है, इसीलिए यह स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। यह स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। क्यों? एग्जाम्पल, 1/2 इज नॉट होल नंबर, दैट्स ओके।